राजस्थान में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले 12 घंटों में कोटा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि प्रदेश में 66 कोरोना के नए मामले सामने आए। कोटा में सर्वाधिक 19 केसेस चिन्हित किए गए। अजमेर जिले में 11, धौलपुर में 2 केस सामने आए। राजधानी जयपुर में 17, जोधपुर में 13 नए केस यहां पर सामने आए। सीकर की बात करें तो टोंक में 3 पॉजिटिव केस सामने आए। राजस्थान में मौतों का ग्राफ बढ़कर 51 पर पहुंच चुका है, जबकि पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2328 हो गई है। इसके अलावा 766 केसेस पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं। इसमें से 584 व्यक्तियों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इस पर कहा कि राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों की रिकवरी प्रगति से हुई है, जिसमें अधिकांश को डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में जांच कैपेसिटी बढ़ाकर 6,000 प्रतिदिन हो गई है और आगामी दिनों में इसे बढ़ाकर 10,000 भी किया जाएगा। राजस्थान में जो रिकवरी हो रही है पॉजिटिव केसेस की, उसमें बहुत आशातीत प्रगति हुई है। अभी जो पॉजिटिव केसेस के रूप में 2328 लोग पॉजिटिव है, उनमें से 766 लोग करीब 1/3 हैं जो रिकवर हो गए हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, और इसमें से 584 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया है। कुल मेडिकल कॉलेज से जो जुड़े हुए अस्पताल हैं, उनमें अलग अलग अस्पतालों में 1,096 लोग भर्ती हैं अभी आइसोलेशन में, और सामान्य अस्पतालों में जो राज्य के अन्य सामान्य अस्पताल हैं उसमें 5,098 लोग भर्ती हैं। हमने हमारी जांच की क्षमता को, प्रतिदिन जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है उसको भी हम निरंतर बढ़ा रहे हैं। आज 6,000 टेस्ट पर डे हम करने की स्थिति में हैं, और हमने कहा था कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर 10,000 टेस्ट पर डे करने वाला राजस्थान स्टेट बन जाएगा। जितना ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं उतनी ज़्यादा राज्य की असलियत, जो संक्रमण की स्थिति है, उसका हमें पता चल रहा है। 14 अप्रैल के बाद इस संक्रमण के फैलाव में आशातीत कमी आई है। अगर 14 अप्रैल में तक जो फैल रहा था जिस तरीके से, ये अगर उसी रूप में फैलता रहता तो ये 4,500 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हो जाते। हमारे इस संक्रमण को रोकने की वजह से ही आज 2328 लोग ही पॉजिटिव हैं, और ये हमारी प्रक्रिया निरंतर इस संक्रमण को रोकने के लिए जारी है। दूसरा, राजस्थान में जो सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं अभी तक, वो करीब 88,000 सैंपल। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए जोधपुर से एवन संवाददाता दयाल सिंह मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दयाल, क्या ताजा अपडेट है जोधपुर से? देखिए, बताना चाहूंगा, सवेरे की जो 8 बजे की जो रिपोर्ट आई उसमें 17 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। उसके बाद से प्रशासन जो 17 पॉजिटिव आए हैं उनके जो हिस्ट्री में आए उन लोगों को कोरोना है। साथ ही जो कोरोना का मामला है जोधपुर में फैलता जा रहा है। हॉटस्पॉट जो नागौर गेट, उदय मंदिर थाना और नई सड़क क्षेत्र बना हुआ है, वहाँ पर पुलिस पूर्णतः लॉकडाउन लागू करने के लिए कर्फ्यू लगा के कार्रवाई कर रही है। साथ ही जो लोगों को रमजान के चलते सुविधाएं दी जानी है वो भी सुविधाएं दी जा रही है। खाने पीने की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। सब तरह की व्यवस्था पूर्ण है, लेकिन जो कोरोना की महामारी है उसको लेकर सभी लोग चिंतित है और शहर में अभी भी भय का माहौल बना हुआ है। जी दयाल, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, आप प्रशासन तो मुस्तैद है लेकिन स्थानीय लोगों का कितना सहयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है? जोधपुर की जनता कितना सपोर्ट कर रही है प्रशासन को? निश्चित, इस तरह की महामारी है, हर आम आदमी अपनी तरफ से सब कुछ देने के तन मन धन से लगा है। सामाजिक संस्थाएं जो है गरीबों को, जिनके पास खाना पीने की व्यवस्था नहीं, गरीब मजदूर, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रही है। तो कई ऐसे सामाजिक संगठन भी है जो सुख की सामग्री भी लोगों को देके रात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही सरकार की तरफ से बात करें तो सरकार भी सब तरह की नगर निगम के साथ, JDA और सब एजेंसी जुड़ के इस काम में जुटी हुई है। लोगों के खाने पीने की कमी कहीं नहीं आए, और डोर टू डोर सप्लाई के लिए दूध, पानी और खाद्य सामग्री के सामान भी पहुंचाया जा रहा है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दयाल। प्रदेश से हम आपको कोरोना की लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। 2300 का आंकड़ा पार कर गई है प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहत की खबर यह है कि रिकवरी दर जो है पेशेंट्स के ठीक होने की, वो भी अब गति पकड़ चुकी है राजस्थान में और पूरे देश में भी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि फिलहाल जो सैंपल रेट है एक दिन में प्रतिदिन 6,000 की है और आगामी दिनों में इसे 10,000 तक बढ़ाया जाएगा।
शून्य से लेकर के 6000 तक कर दी गई। प्रदेश में एक वक्त था जब कोरोना के शुरुआती दौर में यहाँ पर प्रदेश में टेस्ट भी नहीं हो पा रहे थे, पुणे यहाँ पर रिपोर्ट्स भेजी जाती थी टेस्ट करके उनके सैंपल्स की, लेकिन अब प्रदेश में प्रतिदिन 6000 से ज्यादा सैंपल्स लिए जा रहे हैं और प्रदेश ही पूरे देश में वो राज्य है जहां पर 87000 से ज्यादा सैंपल्स कलेक्ट किए गए सबसे अधिक। और धौलपुर से एवन संवाददाता मुनेश ठाकरे मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुनेश, क्या ताजा जानकारी है धौलपुर से? जी जयती, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 3 दिन से लगातार धौलपुर में आज तीसरे दिन भी 2 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने से पूरे प्रशासन में अड़कम मचा हुआ है। इनमें से एक जो कोरोना पॉजिटिव मिला है उनमें से एक ट्रक का ड्राइवर है और एक जो राजमिस्त्री का काम करता है वो जयपुर से रोडवेज बस में बैठ करके धौलपुर आया हुआ था। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर ने जानकारी देते हुए बताया कि ये जो संक्रमण का व्यक्ति है वो एक बत्तीपुरा गांव का रहने वाला है जो फिलहाल में धौलपुर शहर के दारा सिंह नगर में निवास करता है जी। वहीं जो दूसरा व्यक्ति है वो जो दिल्ली की आजादपुर मंडी में गया हुआ था वो ट्रक ड्राइवर है, वहां से तीसरे दिन जी। मुनेश, जो यहाँ पर संक्रमण की चेन है उसे रोकने के लिए प्रशासन कितना सतर्क है? क्या इन लोगों को जो कि पॉजिटिव आए इनके साथ में जो लोग संपर्क में आए उन्हें चिन्हित करके उनकी स्क्रीनिंग कर ली जा चुके हैं, क्या उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है अभी तक? जी बिल्कुल, इसके लिए प्रशासन ने जो 1 किलोमीटर की परिधि में जो इनका निवास है उनके चारों तरफ धारा 144 की दंड संहिता के अंतर्गत तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। धौलपुर से एवन संवाददाता को सुन रहे थे आप। लगातार यहाँ पर पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की कड़ाई से पालना के लिए प्रशासन मुस्तैद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी ज्यादा गंभीर है अपनी जनता के प्रति, यहाँ पर शुरुआती दिनों से ही लगातार यहाँ पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोरोना का जो ग्राफ है वो हालांकि बढ़ रहा है, 28 जिलों में पहुंच चुका है कोरोना वायरस, अभी तक राजस्थान के 33 जिलों में से 28 जिलों में अपने पैर पसार चुका है, लेकिन राहत की खबर है कि रिकवरी दर भी तेज हुई है। और अजमेर से एवन संवाददाता नितिन मेहरा फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजमेर से क्या लेटेस्ट जानकारी है नितिन? देखिए, अभी सुबह 6 मामले सामने आए और तब आप तो 3 मामले और सामने आए थे, 8 मामले थे नल्ला बाजार जी। अब ज्यादा फिर मुस्लिम मोहल्ला थे 5 में तुलसी दूरी पर, वो भी एरिया है जब पूरी एरिया सीट किया जा रहा है जी। और कर्फ्यू सीट पे 4 थानों में लगाया जा रहा है जी। जी जी नितिन, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, वहाँ पे लॉकडाउन का आज लॉकडाउन 2 का आज दिन है, तो क्या किस तरीके से यहाँ कड़ाई से प्रशासन के द्वारा पालना कराई जा रही है और लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं लॉकडाउन को? दूसरे क्षेत्रों में तो बहुत सख्ती से पालना की जा रही है, जैसे मुस्लिम मोहल्ला एरिया है, दादा सीट है, हमारा थोड़ी बहुत दिक्कत सामने आती है जी। जायरीन पसों है, जायरीन तो बैठने के लिए सुविधा कंटिन्यू चली जा रही है जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। एवन संवाददाता नितिन मेहरा को आप सुन रहे थे। प्रदेश भर में यहां पर कोरोना के अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कुल 2300 का आंकड़ा पार कर चुकी है प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। चुनौतियों का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है प्रदेश में, लेकिन संसाधनों की यहां पर किसी भी प्रकार से कमी नहीं है। पूरी तरीके से अड़ेग और पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है सरकार अपनी जनता को बचाने के लिए, और जनता भी कहा जा सकता है कि उतना ही सपोर्ट कर रही है बदले में इस वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए। और टॉक से एवन संवाददाता फिरोज उस्मानी मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फिरोज, टॉक से क्या अपडेट है लेटेस्ट? बताना चाहूंगा कि आज सुबह 3 और कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आए। कल भी 8 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, इससे पहले ये जो 8 जने की रिपोर्ट कल जो पॉजिटिव आई थी उनकी पहले एक बार ये रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। ये सभी बमोर गेट क्षेत्र के ही हैं। जो आज 3 पॉजिटिव आए वो भी बमोर गेट क्षेत्र के ही हैं तथा ये क्वारंटाइन सेंटरों में ये रह रहे थे। अब तक कुल पॉजिटिव की संख्या 127 हो गई है। अभी 164 नमूनों की और जांच अभी आनी बाकी है। अभी क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे और लोगों की भी जांच और भेजी जा रही है।
जिला कलेक्टर के शर्मा ने बताया कि अभी 2742 लोगों की जांच सैंपल अभी तक भेजे जा चुके हैं। वर्तमान में 31 होम आइसोलेट किए गए लोग हैं और क्वारंटाइन में रह रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटरों में 520 लोग अभी वर्तमान में रह रहे हैं जी। वहीं पॉजिटिव में से 13 लोगों के स्वस्थ होने की भी रिपोर्ट है जी। अभी जी। और अब स्वस्थ होने वालों की संख्या टोक में 32 हो गई है। इसमें से 19 लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। इनमें से एक टोडा राइसिंग का है और 18 जने टोंक के हैं जी। जय जी। फिरोज, जो एपिसेंटर्स और हॉटस्पॉट है टोंक में, तो वहाँ पर जो लॉकडाउन तो यहाँ पर है ही, महाकर्फ्यू भी वहाँ पर है, लेकिन और ज्यादा कड़ाई से यहाँ पर कितना प्रतिबद्धता से यहाँ पालनाएं कराई जा रही है लॉकडाउन की? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो पमोर गेट क्षेत्र है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है। अब तक 90 से अधिक यहाँ के संक्रमित मिल चुके हैं। इस क्षेत्र को पूरी तरीके से सील किया हुआ है। 80 जवान यहाँ SDRF के लगाए हुए हैं और पुलिस जाब्ता भी लगाया हुआ है। यहाँ पूरी तरीके से जीरो मोबिलिटी की वो है और यहाँ किसी का आना जाना बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया हुआ है जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। प्रदेश भर में यहाँ पर कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 28 जिले तक अपने पैर पसार चुका है कोरोना का संक्रमण। 2300 का आंकड़ा पार कर गई है कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या। लेकिन इन सभी के बीच में राहत की खबर यह है कि जिन भी संसाधनों से यहां पर उपचार किया जा रहा है वो सीमित नहीं है, भरपूर मात्रा में यहां पर संसाधन है। आप चाहे क्वारंटीन सेंटर्स की यहां बात कर लीजिए या फिर शुरुआती दिनों में 1 लाख से ज्यादा बेड्स यहां पर मुहैया करा दिए गए। तो जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है हर प्रकार की गंभीर स्थिति से यहां पर निपटने के लिए। वर्तमान में जो आंकड़ा है वो 2300 का संख्या को पार कर चुका है। 51 लोगों की मौत भी हुई है प्रदेश भर में कोरोना के संक्रमण के चलते। लेकिन राहत की खबर ये है कि जितनी ही तेजी से ये संक्रमण बढ़ रहा है तो जो गति है रिकवर होने की वो भी अपना स्पीड पकड़ चुकी है।